आपको अभी पिछले दिनों आपकी एक तस्वीर भी खूब वायरल भी हुई, बहुत आप और मुख्यमंत्री जी बड़े गले मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। सर, क्या उस मुस्कुराहट के पीछे क्या मतलब क्या कारण था कि उस तरह की पिक्चर्स जो है आपको रिलीज करनी पड़ रही है? नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं की, ये तो कोई इंसिडेंस होते हैं। उस समय नर्मदा जयंती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे वरिष्ठ हैं और आइडियली तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूं, और उन्होंने उनसे मैंने सीखने का बहुत प्रयास किया। इस भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्तित्व है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं तो बहुत, मेरी उम्र भी कम है और अनुभव भी कम है। मैं जब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर आया था, तब मैंने कहा था आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, जो तो वरिष्ठ नेतृत्व है, कि मुझे इस जिम्मेदारी के अनुरूप बनाना। ये उन सब की भी भूमिका इसमें, एक छोटा होने के नाते से, और हमेशा उनका इसने आशीर्वाद मिला है, तो वो इसने और आशीर्वाद है, वो कोई दिखावा नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं बहन जी, इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर एक टीम स्पिरिट पर हम लोग काम करते हैं। आदरणीय शिवराज जी और जो वरिष्ठ नेतृत्व हमारा है, उनके साथ मिलकर के, उनका स्नेह और आशीर्वाद के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, ये मैंने हम सबका मिलकर के प्रयास भी है, एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। और इस मध्य प्रदेश के अंदर यही भाजपा की कार्य पद्धति की विशेषता है, जो सभी दलों से अलग बनाती है, कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और टीम स्पिरिट से आगे बढ़ते हैं, जो बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर हम इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं।